हे व्हाट्सअप गाइस, गुड आफ्टरनून। आज सुबह सुबह व्लॉग की शुरुआत हुई नहीं क्योंकि आज आखिरी पेपर है और उसको मैंने ठीक से पढ़ा भी नहीं था, तो इसीलिए सेफ्टी के लिए ये रख लेते हैं, बाकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। इस भरी दोपहरिया में मैंने 6-6 पेपर दिए हैं, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए और तो ये सारी मेहनत मेरी सफल हो जाए। तो आज लास्ट पेपर है मेरा और आखिरी दिन हमारा इस कॉलेज में। मैं तो एग्ज़ाम देख कर ही बोर हो गया, लोग रेगुलर कॉलेज कैसे करते होंगे। यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं। 3 घंटे पेपर लिखने के बाद कैसा मुंह हो जाता है देखो ऐसा। सभी लोग अपने एग्ज़ाम हॉल से निकलते हुए, और ये आखिरी दिन है। अब इसके बाद भगवान न करे कभी ये कॉलेज देखने को मिले, अब सीधा अगले साल ही आएंगे। हाँ, बैकेक ले लें। देखिए भाई, ये हमारे क्लासमेट है, हिंदी इन्होंने लिया है इसलिए हमारी मुलाकात हो गई। अब कैमरे में आवाज़ मैंने बताई मैंने, हम आ रहे हैं कैमरे में। आइए भैया, आइए आइए, सब लोग वेद दुबे को फॉलो करें, है ना। हेलो, हाउ आर यू? कल फिर मिलेंगे? कल नहीं मिलेंगे भाई, हो गया मेरा तो, हो गया। नहीं नहीं, 19 को मिलेंगे भाई, हम लोग 19 को मिलेंगे। 19 को क्यों? 19 को एक बार और है ना, एजुकेशन का एजुकेशन नहीं है मेरा ना। चलो आज चलो यहाँ पे। अब पता नहीं कहाँ बजा था, कुछ फरियाई नहीं, बस वही मेरे को नाचल करी है। अभी मुझे इस एरिया में बहुत ही बढ़िया मोर दिखाई दिया, इस तरीके से मोर रोड क्रॉस करते हैं। वाव, ए हे, सुन सुन सुन, रुकेंगे ही नहीं ये लोग, ये नहीं कि थोड़ा सा फोटो वोटो खिंचवा लें। छुप के बैठी हो, देखो भाग गई। कितने सारे मोर हैं, देखो उधर बहुत सारे चल रहे हैं, वो लोग बिना पंख वाले हैं। अभी गाड़ी रोक करके मैं आपको मोर दिखा रहा हूँ, इतना सन्नाटा है यहाँ पर, मैं फील कर पा रहा हूँ एक एक आवाज़। कितनी बढ़िया सड़क है ये, ऐसा लग रहा है बस बारिश होने वाला है। सुबह 6 बजे का वक्त है और ये चाय बनने की तैयारी है, चाय पी पी के निकलेंगे, फिर उसके बाद रास्ते में खाएंगे नाश्ता। स्टेशन पे दही कचौरी जलेबी आ सकाला। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। और जब से आया हूँ आज पहली बार 5:30 बजे उठा हूँ, वो भी गाड़ी पकड़नी है इसीलिए, नहीं तो आज भी नहीं उठता मैं। और मेरे बालों को देख के लग ही रहा होगा कि मैंने पूरा 250 ml तेल तो लगा ही लिया होगा। आ चुकी है गाड़ी, आइए स्वागत है। चला दिसंबर में मुलाकात हुई, अब दिसंबर में, हाँ 7 महीना अभी तो भाई चला। हाँ चला माल है ये, कहा तू कब से टेढ़ होकर खड़ी हो, बैठ कहाँ जा तू? अब जाम निकल, कौन निकल था तो हम वहाँ निकल, कहाँ निकलबू तू? वही कबरखाना में। चलो वह ट्रेनियम हम लाद के ले चलें, तब डेढ़ टिकट हो। बहुत जरूरी है टिश्यू पेपर, कुल जिंदा बस निकाल के देते ना। निकलने से पहले जरा मीठा पानी कर लेते हैं ताकि शुभ होता है। इनने कहा रे? खाना। खाना बह रही हो, जोने का सबसे पहले जरूरत पड़ी। खाना आगे धैली ना। वही जगह जा,
फोटो निकलता जाए तो बैठ चुका लो। नहीं नहीं हम आगे बैठेंगे। डी बाबा की जय हो, शीतला माई की। कुछ बदलात ना है अपन आईडी वीडी धेले हो ना। ये बतावा कि तो हमारे तो के ला कहाँ तक जाता हो चली कि तू निकला हुआ ए, हम हमारा आईडी वीडी दा देखा ही है हमारा आईडी दे दा आधार कार्ड दा ना पैसा दे फोन कर दे हमारा यहां का हमारा कुल प्रूफ है अब वो क्यों याद ना दर होलस सुरते कत क्यों ना याद धरौला है उत्तर बकायदा याद रहे तो है। हां पारा से का तो अभी हम तीन लोग जा रहे हैं यहाँ से और पापा अभी रहेंगे घर पे क्योंकि ये गेट वगैरह का काम करवाना है। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन के बाद मैं आऊँगा तो 10 दिन के बाद पापा भी आएंगे मुंबई। हमारे गांव का ये कॉलेज है जहाँ पर हमारे गांव के सभी लोगों ने पढ़ा है, बीडी इंटर कॉलेज। स्कूल देख करके बड़ा अच्छा लगा था। ऐसा वाला दीवाल वाल अभी भी बेंच वेंच हो में गांव के लिए हमारे फिक्स ड्राइवर हैं मिस्टर जलालुद्दीन और ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। उनकी बातें सुन सुन के हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और हमारी जर्नी भी बड़ी आसान हो जाती है। अभी बैक टू बैक फ़ोन आ रहा है क्योंकि लगन का टाइम है, इनकी गाड़ियाँ गई हुई हैं यहाँ वहाँ। तारीख कहाँ से कहाँ ये रहा बोर्ड लगा हुआ और इस तरफ मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था। पूरे महीने इधर आकर के एग्जाम दिया हूँ। कहा वो डील क्रैक ना हो हल्का। अरे ओ मैं आती पा देता हूँ 14 के लगन इतनी तेज है उनके चाहिए। हाँ हाँ अभी 2 दिन से एक खबर मैं कंटिन्यू सुन रहा हूँ जो बीपीएससी का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है। यार कितने शर्म की बात है यार कि पेपर लीक हो जा रहा है। सोचो एजुकेशन पे सरकार का कभी ध्यान गया ही नहीं, मतलब सरकार स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं लगता है। यार इतनी मुश्किल से 1 से 2 साल लगते हैं इसकी तैयारी करने में, उससे ज़्यादा भी लगते हैं लोगों को। इतनी मेहनत से एक स्टूडेंट्स तैयारी करता है फिर उसके बाद अलग अलग राज्यों से आकर के पेपर देता है। कितने लोगों को ट्रेन में टिकट नहीं मिलती, फ्लाइट से आते हैं, होटल में स्टे करते हैं, कितने रुपए खर्च करते हैं। और सरकार इस पर क्या बोल रही है कि जिन जिन विद्यार्थियों का नुकसान हुआ है उनको 5,000 रुपये दिए गए। मतलब उनके 5,000 रुपये में उनके पूरे साल की मेहनत, उसके बाद आने जाने का खर्चा, रहने का खर्चा, ये सब मैनेज हो जाएगा। एंटरिंग वाराणसी। सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, गर्मी में सबकी हालत ख़राब कर दी क्योंकि A1 का जो डब्बा है उधर तक कहीं पे भी शेल्टर नाम की कोई चीज़ नहीं, कहीं पे भी छाँव में ऐसे बैठ नहीं सकते। इतना कभी भी चल करके नहीं आना पड़ा था मुझे गाड़ी पकड़ने के लिए। ट्रेन है कि खाली इंजन है। रुक जा, दिखाइए यह कुल सारा सामान एडजस्ट हो गया है। एक सीट मेरी उस तरफ है तो उधर तो सिर्फ बैठने के लिए जाएंगे, बाकी तो खाना पीना सब इधर ही है। आप उधर तो अभी आया है माणिकपुर स्टेशन और जब से चढ़े तब से पानी वाला आया ही नहीं है, पानी पिया भी नहीं है। अगर प्यास लगी तो मेरे बॉटल से पी लीजिए आप। नहीं नहीं और भी लेना है ना। वो देखो वहाँ पर लड़ाई थी किसी ने, वहाँ लड़ाई चल रही है। गर्मी में सबका दिमाग गर्म है। अफसोस मैं पानी नहीं ला पाया क्योंकि वो बहुत दूर है और वहाँ तक जाना थोड़ा रिस्की है क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का ही हॉल्ट है। और देखो सिग्नल का आवाज़ भी आ गया। कोल्ड ड्रिंक आओ जल्दी आओ। चल गई।
पहले हमारी RAC थी, अब ऐसी कंफर्म हुई कि सारी सीट हमको मिल गई, ये वाले भी मिल गई, ये वाले भी मिल गई, ये वाली भी मिल गई। तो अगर अब आपका दो से पाँच तक का अगर वेटिंग लिस्ट है महानगरी में या फिर LTT बनारस, तो उसको कंफर्म समझिए फिर। तकिया कंबल वापस से चालू है, वही अपने पुराने वाले कंबल। इस पैकेट में दो चादरें एवं एक नैपकिन है। कहाँ है नैपकिन? पूरी अनबॉक्सिंग कर लिया, कहीं नहीं दिखा। इस पैकेट में दो चादरें एवं एक नैपकिन है, किसी प्रकार की कमी होने पर कृपया अटेंडेंट को सूचित करें। अटेंडेंट कहाँ है? इसमें नैपकिन नहीं मिलता क्या? अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। मेरे लिए इधर है, ये नैपकिन दिया आपको, आप जाके मांगोगे तो मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अभी सतना में गाड़ी रुकी है और यहाँ पर तो 5 मिनट का हॉल्ट है, मैंने पहले ही देख लिया है। भैया 3 पानी का बोतल दे दीजिए ठंड। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2 चाय मैनेज कर पाया, वही दोनों हाथ में है। तो मम्मा बुला रही है, इधर इधर। तो ये है अभी स्टेशन जबलपुर, सामने ही दुकान है एक, तो यहीं से हम अपनी शादी की सालगिरह के लिए कुछ खरीद लेते हैं। ट्रेन में करेंगे आज हम पार्टी, आज हमारी पार्टी का जो है वेन्यू है A1। चीयर्स 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 अम्मो चीयर्स। हाँ अदर आओ, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ही इज आस्किंग माय चैनल नेम, तो इन्हीं का मोबाइल मंगवा करके वेट टू दे। थैंक यू। और सब्सक्राइब कौन करेगा? मैं इस तरफ सोया हुआ था, बाकी लोग उधर थे। अभी बज गए 9:30। और अब शुरू होगी मुंबई में बारिश, और बारिश के टाइम पे यहाँ पर आइए कसारा घाट इगतपुरी। अभी यूपी में मौसम कितना गर्म था, अब यहाँ देखो बादल लगा है। गाड़ी रोक दी गई है, क्यों रुकी है पता नहीं, लेकिन हमारे जस्ट आगे ही चालू डब्बा है, यहाँ पे लोग आराम से उतर जाते हैं नीचे, बिना उतरे मानेंगे ही नहीं। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो देखभाल कर रहे हैं, लेकिन किस चीज़ की देखभाल कर रहे हैं, कहीं खेती भी नहीं हो रही है। बस 1 घंटा और है, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे थाने। अरे ये अभी भी होता है क्या ऐसा, लोग कुआं से पानी भर रहे हैं? गांव के लोग होंगे तो फिर उनको पानी यहीं से मिलता है। यार क्या मस्त फीलिंग आ रही है, इतना बढ़िया। ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ के गांव में लोग अभी भी पानी भरते होंगे कुएं से। देखो ट्रेन में रसभरी आई है। हेलो रसभरी। बोलो मोबा ला 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 लालो। और ये 4 चीज़ क्या है? हम उतर चुके हैं मुंबई। ये देखो जी, लोग जैसे फ्लाइट बदलते हैं, मैं ऑटो बदलता हूँ। आ गए हैं वापस से मुंबई इसी गर्मी में। ये हमारे मजदूर हैं, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, इनका नाम है दरोगा। कहाँ से आवत हुआ? हम टूटा हुआ घर बना रहे हैं, किसान भाई का नजदीक पड़ा है। और नजदीक हवा, हम किसान भाई का घर बना रहे हैं, उनका घर पुराना है, बहुत पहले का है, उनको बना रहे हैं।
उसके कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। कहाँ पे बन रहा है? ग्राम मंझा गोविंदपुर में। हाँ इलाका लगा, हाँ बड़ा ग्राम मंझा गोविंदपुर में एक नितेश सरोज के घर में मैं उनका काम कर रहा हूँ। उनका कच्चा मकान है, उसको बना रहा हूँ। बंद कर दिया, मतलब परेशान हो जाएगा।